प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। कहाँ चल रही दीदी दूध लेकर के? भैया हमरा गांव में जीविका द्वारा दूध डेयरी समिति खुलल छे। अच्छा। वहाँ जाए छे दूध पहुँचाबे। वहाँ कुछ विशेष फायदा देना छे की दूध के? हाँ भैया छे। हाँ भैया एमे अच्छा फायदा छे। एक फायदा छे की दूध जे वहाँ पहुँचाबे छे तो फैट के दर से हमरा के रुपया मिले। जे दूध के जितना फैट में निकले छे ओहि द्वारा से हमरा के रुपया जोड़ के देल जाए। और की होइ छै दूध के भी बचा होइ छै। जैसे बाहर जे दूध सेल करै रहियै तऽ ओहिमे हमरा जैसे वहाँ 5 लीटर दै रहियै तो यहाँ हो जाइ छै ओकर 6.5 लीटर 6.5 लीटर 5 के 6 लीटर 6.5 लीटर होइ छै। हाँ भैया क्या तो कुछ ज्यादा नहीं रहे कुछ दुहाब के दे ना वो ज्यादा अपने ले रहे ज्यादा ला रहे यहाँ वो दूध बढ़ जाए छे। यहाँ दूध बढ़े छे तो बढ़िया। आप की है छे ओकरा द्वारा से हमरा आर सब के इंश्योरेंस भी भए गेल छे। ओ इंश्योरेंसो करे छे वहाँ पर? हाँ दीदी के? हाँ दीदी के। अच्छा ठीक छे अच्छा छे दीदी। हाँ जितना किसान दीदी छे ने जी दूध पहुँचाबे वाले सब के इंश्योरेंस भी भए गेल सब किसान दीदी के इंश्योरेंस होय छे। बड़ा अच्छा छे समिति दीदी अपने। हाँ मैं बताय के ने देलिए आप चलिए अपने घर में दूध डेयरी के सचिव दीदी जे छे ओकरा से अपने के मिलाय देबे और अपने हुनका से बात करे से अच्छा समझ लेबे। चलिए ने दीदी वहे काम के हम आयल छिए। चलिए चलिए भैया हमरा के जीविका द्वारा दूध डेयरी जे खुलल छै यही समिति छियै। यही पर समिति भेल? हाँ यही पर समिति खुलल छै। और हमरा के दूध डेयरी के सचिव दीदी यही छथिन। प्रणाम दीदी। और भैया जितना बात अपने समझे के लिए चाहै छियै जी वो अब सचिव दीदी से अपने समझ सके। ठीक छै दीदी सचिव दीदी सब सब कुछ सारा बात। अच्छा दीदी अपने जे यहाँ दूध संग्रह करै छियै केंद्र पर दूध संग्रह में दूध के पैसा जो दीदी के अपने हृदय होवे वो केनो दे छिए पैसा कोई कोई नियम देख छिए पैसा की? हाँ भैया गड़बड़ मशीन से फैट के जांच होय छै तब पैसा दोनों जोड़ के देल गड़बड़ो मशीन से फिर जांच करे पड़े छै ना। अच्छा दीदी ई सब बतबे से पहले सोचे रही तुम अपने अपना परिचय दे देती है ना तो अच्छा रहती है। नाम रेखा कुमारी हेले सबलपुर जीविका दूध उत्पादक के सचिव छिए। हमें घर सबलपुर पोस्ट मारर थाना मरकाई जिला खगड़िया। अच्छा भैया सब कुछ तो बताइए दलिए आप अपने चलिए हम गड़बड़ मशीन पर फैट करके मिलान करके दिखा देवे कि कत्ते पैसा पहले। आप भैया अपने का हम फैट टेस्ट के बारे में बतबे छी कौन कौन सामान लगे छे। अच्छा दीदी ठीक छे बताइए। भैया ये हेले एसिड जार। ओ एसिड जार? हाँ। अच्छा ठीक है। आई हेले एसिड टेल्ट मेजर। जी हाँ देखा लिए दीदी अगर दोसर कोई और लगे छी की? हाँ भैया और लगे छे। ये हेले अल्कोहल जार। ओ अल्कोहल जार। हाँ आई हेले टेल्ट मेजर अल्कोहल के। ठीक देख लिए ना भैया? जी हाँ दीदी देख लेंगे अगर। और ओकर बाद ओमे दूध दै के लिए ई होले पीपेड। ओ पीपेड नो में कर छी के? हाँ। इमें लिखल भी छे भैया कितना को दूध दे छे। अच्छा। आ यहाँ तक रेगा तक दूध दे कर ले कर तब इमें देल जाए छे। इमें 11.5 ml दूध अटे छे। आई में दूध अटे छे ना दूध देल जाए छे इमें? हाँ भैया। अच्छा दीदी ठीक छे दीदी। ई होले ओकर बाद जे छे लेवल मिलबे के लिए भैया जी ऐसे 2-4 बूंद पानी भी सब में दे कर बराबर करे छे। मतलब पानियो दे छे लेवल मिलबे खातिर ना? हाँ हाँ। वाह 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 ठीक दीदी आगे बताइए कुछ और। ओकर बाद जे छे भैया ये लॉक स्टॉप पिन लॉक स्टॉप लॉक स्टॉप पिन ऐसे करके लगाएल जाय छे भैया। अच्छा एकरो जरूरत पड़े छे ना? हां हां जी दीदी इतना सब सामान होले जी मने लॉक स्टॉप पिन दीदी आइम लगेबे ना? हां हां अच्छा 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 ठीक छे दीदी। ई जो है भैया ई विड्रोमीटर हुआ। विड्रोमीटर? हाँ। अच्छा अच्छा दीदी ठीक छे दीदी। और इसमें एकदम जे छे भैया सब कुछ देला के बाद ई गड़बड़ मशीन होले। ई मशीन के नाम गड़बड़ मशीन छे? हाँ। वाह।
दीदी अपने तो हमरा सब सामान के नाम बता दिलिए। ठीक छे दीदी, सब सामान के नाम तो हम बुझ गेलिए, देख लिए, समझ लिए। अब दीदी फैट जांच केना करै छी अपने, ओह तने हमरा करके देखा न दिए तो अच्छा रहते रह, तब ना हम जेबे अपना समूह में भी और मेरे दीदी के बतेबे एना एना होय छे। अच्छा ठीक छे भैया, बतबै छी। ई भैया बेडरोमीटर साफ और सुखल छे। ओ एकरा बेडरोमीटर के सुखल होय छे ने? अच्छा दीदी, ईम जे छे भैया 10 ml एसिड जार से टिल्ट मेजर द्वारा करल जाय छे। एकरा देखबे भैया ध्यान से, 10 ml। हाँ, और ऐसे बेसियो ने कमो ने ना उजाइबे ने करते नाप के हिसाब से। नाप ना भी छे, फिक्स होल छे कर ना। हाँ अच्छा दीदी, अच्छा दीदी अपने ते इस सब में एसिड डाल दिलिए लेकिन 10 ml कर करके आप एकरा में की करबे? अच्छा भैया बतबै छी। अच्छा भैया एसिड तो डाल दिलिए, अब ओय में हम दूध डालै छी। ई हाथ से दाब के मिले लिए दीदी एकरा? हाँ, तब जे छै ने ऊपर नीचा के दूध मिल जेते फैट एक रंग सब दूध मिले के चाहिए एक रंग ना जी। अच्छा आप देखिए भैया ई है ले पीपेड। ई पीपेड? हाँ, 10.75 ml दूध अटै छै, यानी 11.5 11 ml। और ई रेघा तक दूध तक ना, ऐसे बेसी ने कम। अच्छा नहीं तो फैट नहीं होते बढ़िया भैया। अच्छा ठीक ने, आप देखिए हम दूध दे छी। देखे छी भैया? हाँ दीदी देख रहा लिए। देख लिए, बस चिन्ह पर आके रुक गेले। देख लिए भैया, अब हम दूध दे रहल छे, दीवाल के सहारा से धीरे धीरे दूध जाए छे। से किया दीदी, ये धीरे धीरे किया, एक के बेर किया रंता आपके गिरा दिलिए एकरा? तब जे छे ना बढ़िया से उपरत नहीं है छे, ऐसे एसिड के अलग रहे छे और दूध के अलग रहे छे। ओ एसिड और दूध के परतों के मान छे ना? हाँ, नहीं तो उधिया भी जाए छे कभी कभी और फैट भी खराब हो जाए छे। ओ दूध उधिया जाए छे एसिड के कारण की दीदी? हाँ। अच्छा गरम हो जाए छे? ओ दूध गरम भए जाए छे ना? अभी अपना छुई के टेबिए ने देखिए गरम होले की। अच्छा वास्तव में दीदी गरम भए रहल है, धीरे धीरे गरम भए रहल है। अच्छा दीदी आई हम तो अपने दूध डाल दे, अब एकरा में कुछ और कुछ करे छी की? अल्कोहल जार है ले भैया, आई अल्कोहल टिल्ट मेजर है ले, ई में 1 ml अल्कोहल फिक्स करल छे। 1 ml? हां यहां तक मतलब फिक्से छे ना? हां। अच्छा ई आप ई में देल जेते, ई दूध में देलिए 1 ml? हाँ। आइस दीदी की होते रीडिंग साफ निकले छे ना फैट करला पर? ओ रीडिंग साफ आवे छे ना? हां। ईम जे छे ना भैया, ईम तो तनी कम छे, ई दोनों ठीक छे, ईम जे छे लेवल के लिए ई दू बूंद पानी देल गेले। ओ लेवल मिलबे खातिर? हाँ। अच्छा दीदी ई में अपने पानी गिरे लिए दू बूंद तीन बूंद, आ ई दोनों में पानी अपने नहीं गिरे लिए, से किया दीदी? ओ जे छे ना भैया बेडरोमीटर बड़ा छोटा रहे के कारण जी लेवल मिलबे पड़े छे पानी दे के, तब जे छे ना भैया रीडिंग अच्छा है छे। ओ रीडिंग अच्छा लय खातिर पानी दे के लेवल बराबर करे पड़े छे? हां भैया। यहां लिए पानी दे लिए अपने? हां। अच्छा दीदी हम समझ गए। अच्छा भैया सब कुछ तब दे दिलिए जी दीदी। ई होले लॉक स्टॉप, ई हैले लॉक स्टॉप पिन, पिन और ये है के सहारा से भैया ई में देल जाय छे। अच्छा ई लॉक ते दीदी लग गेले में, छन भैया अपने का जी सीखे खातिर समझावे खातिर हमें चार गो का कर लिए। अच्छा और हम जब लगेबे चारों के देबे तो बैलेंस एक रंग होते, और सामान जो देखे रहिए वो जी सब हटा दिलिए। आप देखिए एकरा एकरा ऐसे करके बंद करके। अच्छा आ इधर नट से एकरा कस दिए, हम ही रखे दिलो दीदी, सब में सब मिल रहलिए ना? हाँ।
मिलते तब न फैट होता। दूध भी मिल गए अपने के पहल का डाल का वो भी सब मिल गए सब के सब। अभी बढ़िया से मिल रहे कहाँ भैया अब न मिलते। न जितना डोलेबे उतना बढ़िया से मिलते यह ना। ध्यान देख भैया न फूट जेते तो पाइट जेबे। जले के भी डर से। देखें ची भैया। जी हो दीदी देख रहा लिए यह। देखिए मिल गए अभी। अब बढ़िया से मिल गए। हाँ। जी आप छूट के भी ये देखिए गर्म हो लेकिन। हाँ दीदी बहुत गर्म छे। ई जे छन भैया जी आब ई मशीन में डालल जेते। ओ ई मशीन में यहाँ डालबे। हाँ अच्छा देखिए। जी दीदी मतलब हमरा समझावे खातिर चार गो में मिल दिलिए ना। हाँ अच्छा देखिए भैया इन ढक्कन लगाए देबे। जी भैया जी कसाई गिरी की। हाँ अच्छा 3 से 5 मिनट तक एकरा चलबे के छे। 3 से 5 मिनट तक एकरा चलबे के छे। आप जे छन भैया का रीडिंग देखबे कि कितना फैट होले। जी ई चांद के आकार जे दिखबे छे। जी तो ई कोना पर से नै रीडिंग लेक छे ई बिचला पर से। ई बिचला पर के मायने होय छे। हां ई चांद के आकार देखले करना है ना। अच्छा देखिए ई पॉइंट से गिनिए 1 2 3 जी यहां पूर्तिए 2 लकीर कम में छे। चार पूरे में 2 लकीर कम में छे। तो अब 3/8 मानिए ओकरा 3/8। हां अच्छा भैया फैट कर लिए वो देख लिए चार गो दीदी करने रहिए। जी पहला नंबर में होले 2-3। जी दूसर नंबर जे फैट होले 3/8 होले। जी तेसर नंबर में 3-0 होले। जी पिछुक जे कर लिए वो 7-2 होले। जी फैट पुस्तिका पर चढ़ गेले ना। ई जे भैया हम फैट कर लिए और फैट पुस्तिका में लिख लिए आगे कर अपने के रेट बतेबे। रेट बतेबे करब। हाँ ई 3, 2 और 3 जे फैट होले जी एकर त पैसा नै मिले छे। 2.3 के पैसा नै मिलता है। 3-0 से पैसा मिले छे। जैसे ये देखिए 3-0 छे। जी चाहे 3-8 छे 7-2 छे ई सब के वहाँ रेट तालिका में लिखल छे। तो देखिए आप अपने 3-8 के 3-8 के खोजिए यहाँ छे ना। जी ये होले गाय के दूध में। जी 23.31 रुपया लीटर होले 1 लीटर के 23.31 रुपया। जकर होते 3.8 ओकर ना 3.6, 3.7, 3.8 के एक ही रेट लगते 23.31। हाँ जी आ एगो रहे 3-0 तो 3-0, 3-1, 3-2 के 21.92। अच्छा अब भैंस दूध में देखिए भैया रहे 7-2। जी 7-2 है जैसे भैया। जी 36.08 रुपया लीटर 36.08 रुपया लीटर भैगे। हाँ देख लिए भैया। अच्छा दीदी इतनो सब जे हमरा के अपने बतेलिए समझेलिए इतनो सावधानी पूर्वक तो एकरा में कुछ सावधानी भी बरते पड़े छे। ई बात छे भैया सावधानी बरते के लिए जी जब बर्तन दुहेल जेबे तो बर्तन साफ सुथरा रह के चाहिए और सूखा रह के चाहिए। बर्तन सूखा रहना चाहिए। हां ओकर बाद जे छे अपना जब दुहेल बैठबे तो बच्चा के पहले पिलाए दिए बछड़ा के। जी आ बाद में नहीं पिलाइए किया बाद में फैट
ज्यादा रहे छे तो पिछला दूध अगर पिलेबे तो फैटे पी जेते तो फैट कम होते दूध में तो वह पहले पिलाई देल करिए बाद में नहीं पिलेइए ये सावधानी है। अच्छा दीदी एकरा से लाभ की छे भैया? लाभ समिति में दूध देला से दीदी लोग के इंश्योरेंस भी बने छे बोनस भी बने छे और फैट के हिसाब से सही रेट मिले। अच्छा दीदी अपने अब सब दीदी की कुछ संदेश दे सके छी? हम सब दीदी से अनुरोध करे छी कि जे सब दीदी दूध समी जीविका समिति में ही दूध दिए और लाभ उठावे ताकि ज्यादा फायदा रहते। अच्छा दीदी अपने अपन बहुमूल्य समय दे करके हमरा इतना बढ़िया चीज सब सिखेलिए एकरा दीदी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अच्छा दीदी अब हम चले छी दीदी प्रणाम प्रणाम।